इमाम हुसैन के लिए रोना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जिस इंसाफ के लिए वो लड़े, और उनकी उस लड़ाई को जब जेल में बंद नेल्सन मंडेला याद कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रपिता जिनका जिक्र कंप्यूटर बाबा ने किया, महात्मा गांधी ने अब लिखा है इमाम हुसैन के बारे में, महात्मा गांधी ने लिखा है कि ही वॉज इंस्पायर्ड, वो इमाम हुसैन के किरदार से प्रभावित थे। तो वो करबला के जो 7 दिन हमने गुजारे पिछले हफ्ते, गए तो एक सहाफी के तौर पर थे, आए भी सहाफी के तौर पर, लेकिन अपने किरदार में थोड़ा इमाम हुसैन ले आए हैं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। अंत में आगा सुल्तान साहब से बहुत बहुत ये गुजारिश है कि वो और इमाम हुसैन डे करें ताकि जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुंचे। अगर आप राम समझ रहे हैं, अगर आप कृष्ण समझ रहे हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं, तो आप इमाम हुसैन भी समझें। और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब को भी अपने साथ लेकर गया, शायद अगर वो ना होती तो वो पैगाम जो इमाम हुसैन ने दिया अपनी शहादत से वो हम तक ना पहुंचता। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट थी, सबसे पहली सहाफी थी, तो वो हजरत ज़ैनब थी। कंप्यूटर बाबा, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी, और जब लड़ाई में उनका बेटा शहीद हुआ, उनसे बताया गया, उनको वो अंदर थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो मातम करने नहीं गई बाहर। उन्होंने कहा मैं मातम करने जाऊंगी तो मेरा भाई कमजोर पड़ जाएगा और उसे कमजोर पड़ने नहीं देना। तो हम इमाम हुसैन तो अपने साथ लाए हैं, हजरत ज़ैनब भी अपने साथ लेकर के आए हैं। तो आपको जहां जो मिले सीख लेना चाहिए और सीखने के बाद उसे लोगों को सिखा देना चाहिए। अगर आप अपने किरदार में इमाम हुसैन को नहीं ला पाए तो मातम का, मजलिस का, ज़ियारत करने का कोई फायदा नहीं। बस बहुत बहुत शुक्रिया।